जाट कॉलेज कुश्ती अखाड़े में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी रेसलिंग कोच सुखविंदर को दिल्ली व रोहतक की संयुक्त टीम ने शनिवार को समयपुर बादली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध रिवाल्वर और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। शनिवार दोपहर ही हरियाणा पुलिस ने आरोपी पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया था। शाम को उसे पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर ही दबोच लिया। एसपी राहुल शर्मा का कहना है कि जल्द ही रोहतक पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जाएगी। फिलहाल एसआईटी दिल्ली में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने आरोपी सुखविंदर पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया था। आपको बता दें कि रोहतक में हरियाणा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हुई थी, जिसमें 5 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें इनामी रेसलिंग कोच फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।